हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती 18 पर। दोस्तों, जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि हाउ टू चेक डिविजिबिलिटी रूल, दोस्तों वहां मैंने पढ़ा था कि कोई नंबर दिया गया हो, क्या वो नंबर दो से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, या मैं कहूँ क्या वो नंबर दो के मल्टीपल यानी कि 4, 8, 16, 32 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, या मैं कहूँ वो नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, या मैं आपसे कहूँ कि वो नंबर 3 के मल्टीपल यानी कि 9, 27 इस प्रकार से नंबर से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, या मैं आपसे कहूँ कि वो नंबर 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। इस तरीके के कन्फ्यूजन मैंने पिछली क्लास में आपसे दूर किया था। और दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि डिविजिबिलिटी बाई सम स्पेशल नंबर्स, डिविजिबिलिटी बाई सम स्पेशल नंबर्स। वो सम स्पेशल नंबर्स क्या हैं? 7, 11, 13, 17, 19, 23 और इस तरीके से बढ़ते चलेंगे ना, जैसे कहूँ 29, 31, 39, समझे 41, इस प्रकार के नंबर्स को सम स्पेशल नंबर्स बोलते हैं, समझे। सबसे पहले बात ये करेंगे कि पता है इन नंबर्स की डिविजिबिलिटी ना बहुत ही डिफरेंट होती है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इन नंबर्स को आखिर हम इन नंबर्स को स्पेशल नंबर्स क्यों बोलते हैं, समझे। इन नंबर्स की डिविजिबिलिटी आखिर में डिफरेंट तरीके से ट्रीट क्यों की जाती है, दोस्तों आज का कन्फ्यूजन हम अभी आपको दूर कर देते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप इन नंबर्स की डिविजिबिलिटी रटना नहीं, अभी तक आप कन्फ्यूज होते रहे होंगे कि 7 की डिविजिबिलिटी क्या होती थी, 11 की क्या होती थी, 13 की क्या होती थी, 17 की क्या होती थी। एग्जाम में जब आता था तब आप भूल जाते थे, वैसे तो आपको पता रहता था कि हाँ लास्ट डिजिट में इसका गुणा करेंगे घटाएंगे, फिर इसका करेंगे घटाएंगे, ये सब प्रकार से आप कर तो देते थे, लेकिन एग्जाम के टाइम पर एग्जाम में आप सब भूल जाते थे। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके के नंबर्स जो स्पेशल नंबर्स होते हैं, या कहें प्राइम नंबर्स, जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनकी डिविजिबिलिटी रूल आप खुद ही बना पाओगे। मात्र 5 मिनट का समय देना हमको, उसके बाद में आप देखोगे दुनिया में कोई भी प्राइम नंबर हो या कोई भी नंबर हो, उनकी डिविजिबिलिटी रूल आप बना सकते हो। दोस्तों, ये चीज़ें आपके लिए आसान कर दूंगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि ये नंबर्स को स्पेशल नंबर्स हम क्यों बोलते हैं। इन नंबर्स को स्पेशल नंबर इसलिए बोला जाता है, जैसे मैं कहूँ, जैसे कोई भी नंबर दे रखा हो 7, इस नंबर को जो अर्थ में कितने भी नंबर दे रखे ना, इस अर्थ में जो भी नंबर्स पाए जाते हैं उनका मल्टीपल अगर हम करेंगे सिवाय इस अर्थ में 10 के मल्टीपल, 10 का मल्टीपल क्या होता है, जैसे मैं कहूँ 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये सब क्या होते हैं भाई साहब, 10 के मल्टीपल होते हैं, समझे। 10 और 10 के मल्टीपल को छोड़कर इन स्पेशल नंबर के साथ में गुणा किया जाए ना, तो वो हमको कभी भी 10s का मल्टीपल नहीं देगा। 10 का मल्टीपल मतलब कभी भी लास्ट डिजिट, या बोले यूनिट डिजिट, या हिंदी वालों के लिए कहें इकाई का अंक, कभी भी 0 नहीं देने वाला है। जैसे मैं कहूँ नंबर्स स्पेशल ना हो के बात करते हैं, 2 नंबर है, जैसे मैं कहूँ 2 का गुणा अगर मैं 5 में करूँगा, देखो 10 और 10 का मल्टीपल तो 5 है नहीं, 2 का गुणा अगर 5 में करूँगा ना तो मुझे क्या देगा, 10 देगा, लास्ट डिजिट 0 देगा। इसी तरीके से स्पेशल नंबर्स का गुणा अगर हम 10 और 10s के मल्टीपल को छोड़ दें, बाकी दुनिया के जितने भी नंबर्स हैं उनके साथ मल्टीपल करेंगे ना, तो कभी भी ये नंबर्स 10 के मल्टीपल हमको नहीं देंगे, या कहें लास्ट डिजिट में 0 कभी भी नहीं देने वाले। कोई सा भी नंबर्स उठा लीजिए जो आपको पता हो वो, लेकिन 10 और 10 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, समझे। तो इस तरीके से आपको पता चल गया होगा आखिर हम इन नंबर्स को कैसे स्पेशल नंबर्स मानते हैं। अब तरीका पता क्या है, तरीका मैंने यहीं से उठाया है। आपका प्रोसेस जो है डिविजिबिलिटी चेक करने का, वो प्रोसेस यहीं से है। जब आप 10s के मल्टीपल इन नंबर में खोज नहीं पाओगे, तो आप एक काम तो कर ही सकते हो यार, वो एक काम क्या है, वो आपको ये काम करना है, आप 10 के मल्टीपल ना खोजो,
आप सिर्फ ये तो कर ही सकते हो कि 10th के मल्टीपल के नियरेस्ट ऐसा नंबर खोजो जो हमको डिफरेंस एक दे। जैसे मैं कहूँ वो नंबर क्या हो सकते हैं, वो नंबर क्या हो सकते हैं, 9, 11, समझे, 19, 21, 29, 31, इस तरीके के नंबर्स हमको क्या देते हैं। ये नंबर्स क्या हैं, ये 10th के मल्टीपल के जो हैं, 10 का मल्टीपल क्या होता है, जैसे 10 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, ये 10 के मल्टीपल जो भी है ना, उनसे डिफरेंस हमारा एक आ रहा है, कभी कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। देखो ये 9 क्या है, 10 का मल्टीपल है, 10 गुणे 1 माइनस 1, मतलब 10 के मल्टीपल का से जो एक कम आ रहा है। इस प्रकार के नंबर्स हमें खोजने हैं, समझे, इस प्रकार के नंबर सारे होते हैं मोस्टली, समझे। जैसे मैं कहूँ 11 दे रखा है, इस तरीके से नंबर ट्रिक अपनाओगे, 11 क्या है, 10 गुणे 1 प्लस 1, तो क्या कह रहा है, कभी नेगेटिव डिफरेंस आ रहा है, कभी पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा है। यहाँ से एक कन्फ्यूजन तो हमें दूर होगा। अगर मैं कहूँ 10th जो भी डिवीजन दे रखा है, 7 है, 7 डिवीजन दे रखा है, इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है ना कि वो मुझे 10th का मतलब एक डिफरेंस दे, समझे, 10 के मल्टीपल तक ले जाना है। और जैसे 7 है, 7 का हमें इस प्रकार से मल्टीपल करना है किसी भी नंबर से, वो हमको 10th जो भी 10 का मल्टीपल हो उससे कम नंबर दे या एक कम नंबर ज़्यादा दे। अभी तो यहाँ देखना, यहाँ देखो 10th के अगर मैं बात करता हूँ, 10 का नंबर कम एक कौन दे रहा है, जैसे मैं कहूँ 10 से जो डिफरेंस है एक का, हमेशा 10 से डिफरेंस एक ही खोजना है। आप मुझे बताओ 10 से जो डिफरेंस है एक का, वो नंबर जैसे क्या हो सकते हैं, 9 हो सकता है, 19 हो सकता है, 29 हो सकता है, 39 हो सकता है, ये देखो नंबर्स क्या है। 10 के मल्टीपल से डिफरेंस कम एक है, देखो 10 गुणे 1 माइनस 1, 20, 19 क्या है, 10 गुणे 2 माइनस 1, 29 क्या है, 10 गुणे 3 माइनस का, 10 गुणे 3 माइनस का 1, माइनस का 1, 39 क्या है, 10 गुणे 4 माइनस 1, ये देखो डिफरेंस एक दे रहा है ना, डिफरेंस एक दे रहा है। अब मुझे यहीं से तरीका अपनाना है, जैसे मैं कहूँ, आप मुझे बताओ 9 है, 9 को मुझे 10 बनाना है ना, तो मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, 9 को मुझे 10 बनाना है तो मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, प्लस का 1 जोड़ना पड़ेगा, ये तो आपको पता ही है, प्लस का 1 जोड़ना पड़ेगा तब मुझे 10 बन जाएगा। 19 को मुझे 10 का मल्टीपल बनाना है तो मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, प्लस का 1 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस तरीके के नंबर का डिविजन ही खोज रहा हूँ जो मुझे 10 के मल्टीपल मतलब नियरेस्ट दे नंबर्स जिसका डिफरेंस हमेशा एक हो। जैसे 29 है, 29 को मैं 10 का मल्टीपल खोजना चाह रहा हूँ, तो ये मुझे क्या 29 में क्या जोड़ना पड़ेगा, प्लस का 1 जोड़ना पड़ेगा, तब मुझे क्या हो जाएगा, नंबर क्या मिलेगा, 30, यहाँ नंबर्स क्या मिलेगा हमको, 20, यहाँ नंबर्स क्या मिलेगा हमको, 10 मिलेगा। अब यहीं से एक तरीका आता है मेरे दोस्त, ये प्लस 1 कर तो रहे हैं, प्लस 1 हमारा है क्या, प्लस 1 को हम क्या बोलते हैं, 1 मोर क्या बोलते हैं, ऑस्कुलेटर, ऑस्कुलेटर जो है ना वो हमारा बहुत काम का है। ऑस्कुलेटर जैसे जिंदगी, जैसे बाइक है, बाइक में स्पीड बढ़ाने के लिए हमें एक्सीलेटर खींचना पड़ता है ना, इसी प्रकार से इन नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए ना हमको ऑस्कुलेटर खींचना पड़ेगा। आपको ये देखना है कि 1 मोर ऑस्कुलेटर है कि 1 मोर ऑस्कुलेटर, और कम हो ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑस्कुलेटर होता है। अभी कम में भी आएंगे हम, अब देखना यहाँ पर, ये देखो 1 मोर ऑस्कुलेटर तो हो गया, अब यहाँ पर 1 मोर मतलब कैसे, जैसे 29 दे रखा है, जैसे मैंने 7 का मल्टीपल पढ़ा, जैसे मैं कोई भी मल्टीपल नहीं पढ़ रहा हूँ, अभी जैसे 9 नंबर है, 9 आया हमारे सामने, अब मुझे इसको 10th के मल्टीपल में करना है तो मुझे प्लस 1 जोड़ना पड़ेगा, प्लस 1 जोड़ना पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 मोर ऑस्कुलेटर। जैसे 19 है, 19 में जब मुझे प्लस 1 जोड़ना पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 मोर ऑस्कुलेटर। जैसे 29 आ गया, 29 में हम प्लस 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 मोर ऑस्कुलेटर। अब बात करें 29, जैसे यहाँ 9 है, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 आ गया, 10 को हम क्या बोल सकते हैं, 10 गुणे 1, जैसे 20 है, 20 को हम क्या बोल सकते हैं, 20 का मल्टीपल 10 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 10 गुणे 2, 30 है, 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 के मल्टीपल में लिखना चाहें तो 10 गुणे 3। अब यहाँ 3 है क्या, 3 तो हमारा ऑस्कुलेटर है, 3 हमारा क्या है, 3 हमारा ऑस्कुलेटर है, समझे, और साथ ही साथ हमको ये बताएगा कि ये 1 मोर ऑस्कुलेटर है। अब देखना 1 मोर का ऑस्कुलेटर का काम अभी हम थोड़ी देर के लिए रोक दे रहे हैं, अभी मैं आगे बताऊंगा। इसी प्रकार से नंबर्स जो 9 का डिफरेंस हो गया, इसी प्रकार से नंबर्स हमारे क्या हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, 21 हो सकते हैं, 31 हो सकते हैं,
और क्या हो सकते हैं 41 हो सकते हैं, इस प्रकार से नंबर हो सकते हैं। ये 11 क्या है, इसको अगर हम डिविजिबिलिटी 10 के रूप में, मल्टीपल ऑफ 10 के रूप में लाना चाहें तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मुझे एक घटाना पड़ेगा, तब क्या मिलेगा हमको, 10 मिलेगा हमको, 10 मिल जाएगा। यहाँ देखो 21 से मुझे एक कम करना पड़ेगा, तब हमको क्या मिलेगा, 20 मिल जाएगा, 20 क्या हो जाएगा 10 का मल्टीपल हो जाएगा। 31 से हमें क्या करना पड़ेगा, एक कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है 10 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है, तो हमको एक कम करना पड़ेगा ना 10 का मल्टीपल आने के लिए, तो मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा 30। अब देखो हम एक कम कर रहे हैं ना, एक कम कर रहे हैं, जिस प्रकार से मैंने यहाँ एक बढ़ाया था उसको मैंने वन मोर ऑस्कुलेटर का नाम दिया था, जो कि नाम बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ देखो 31 है, 31 में जब एक कम करेंगे ना तब मुझे 30 का मल्टीपल मिलेगा, 30 क्या होगा हमारा 10 का मल्टीपल होगा, 10 का मल्टीपल होगा, जब हम एक कम करेंगे तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, निगेटिव ऑस्कुलेटर मिलेगा, निगेटिव ऑस्कुलेटर, क्योंकि हम 30 में 31 में हम एक कम कर रहे हैं, समझे। अब यहाँ 30 है क्या, 30 उसी प्रकार से है, 30 क्या है 10 × 3, मतलब 10 का मल्टीपल है कितनी बार जा रहा, 3, यहाँ 3 हमारा क्या हो जाएगा, ऑस्कुलेटर हो जाएगा, वो भी काय का हो जाएगा, निगेटिव ऑस्कुलेटर हो जाएगा। अब जैसे मैं आपसे कहूँ, आपसे मैं एक चीज़ पूछने जा रहा हूँ, आप मुझे बताओ, जैसे 7 है, 7 को मुझे ऑस्कुलेटर चेक करना है, और 7 का ऑस्कुलेटर क्या होगा, नेगेटिव ऑस्कुलेटर होगा, पॉजिटिव। अब आपको कुछ नहीं करना, 7 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि 10s के मल्टीपल का डिफरेंस मुझे या तो एक दे, नेगेटिव में दे या पॉजिटिव में दे। आप मुझे बताओ 7 × 21 होता है ना, 7 × 21 होता है, 7 × 3, 7 × 21 हो गया, 21 हो गया। अब मुझे बताओ 21 में मुझे जब 10 के मल्टीपल लाना है, अब आपका दूसरा काम क्या हो जाएगा, 7 × 21 हो गया, अब 21 तो नंबर हो गया हमारा, लेकिन 7 डिवीजर है, ये ध्यान रखना, कोई भी जैसे 7 की डिविजिबिलिटी चेक करना है हमको, 21 आ गया, 7 × 21, अब 21 में हम क्या करेंगे, एक कम करेंगे, माइनस का एक, तो माइनस का एक करेंगे, इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव ऑस्कुलेटर हो जाएगा, नेगेटिव ऑस्कुलेटर हो जाएगा, ऑस्कुलेटर नेगेटिव ऑस्कुलेटर हो जाएगा, और साथ ही साथ कितना आएगा हमारा, 20 आ जाएगा, 20 हमारा क्या आ जाएगा, 10 के मल्टीपल में चेक करेंगे तो 20 हमारा किस प्रकार ले सकते हैं, 10 × 2, यहाँ 2 क्या हो जाएगा हमारा, 2 हमारा क्या हो जाएगा, ऑस्कुलेटर। इस ऑस्कुलेटर का काम क्या है ये हम अभी आपको बताएंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि नेगेटिव ऑस्कुलेटर आएगा कि पॉजिटिव ऑस्कुलेटर, ऑस्कुलेटर निकालते कैसे हैं, जैसे हम कहें नंबर आपका 13 दिया गया, डिवीजर मतलब 13 दिया गया, 13 डिवीजर दिया गया, आप मुझे बताओ यहाँ से मुझे चेक करना है कि हमारा ऑस्कुलेटर कितना आएगा, तो आप मुझे बताओ 13 × 3 कितना होता है, 39 होता है, 13 × 3 = 39, नंबर हमारा 39 आ गया। आप मुझे बताओ इसको सेकंड स्टेप क्या है, हमको 10 के मल्टीपल में लाना है, 10 के मल्टीपल में लाना है, मतलब 13 का पारा हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि वो मुझे 10s के मल्टीपल में डिफरेंस या तो एक कम दे या तो एक ज़्यादा दे। जैसे मैंने 7 का मल्टीपल पढ़ा था ना, 7 × 2 = 14 नहीं किया था, क्यों नहीं किया था, क्योंकि हमें डिफरेंस हमें एक चाहिए, या तो वो नेगेटिव का चाहिए या तो पॉजिटिव का चाहिए, 7 × 21 हो गया, 21 में से जब एक कम जाएगा मतलब नेगेटिव का चाहिए। इसी प्रकार से 13 × 3 = 39 हो गया, 39 में जब मैं एक जोड़ूंगा ना तो मुझे क्या मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। अब 40 क्या होता है, 10 × 4, अब यहाँ 4 क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा हमारा ऑस्कुलेटर हो जाएगा, 4 हमारा ऑस्कुलेटर हो जाएगा, लेकिन ये ऑस्कुलेटर हो तो जाएगा ये काय का होगा, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, मतलब वन मोर होगा, वन मोर होगा मतलब प्लस वन दे रखा है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वन मोर ऑस्कुलेटर हो जाएगा, समझे। आज जैसे मैं कहूँ आपसे, आपको नंबर दे रखा है 17 डिवीजर दे रखा है, आप मुझे बताओ ऑस्कुलेटर चेक करना है हमारा, ऑस्कुलेटर कितना आएगा 17 का, समझे, 17 का ऑस्कुलेटर अगर चेक करना है तो 17 क्या होता है, 17 × 51 होता है, 17 × 51 लिख दो सबसे पहले। 17 को मैंने इतनी बार पढ़ा कि मुझे 10s के मल्टीपल का डिफरेंस या तो एक दे माइनस का या तो प्लस का एक दे। अब 51 है, 51 में मुझे जाहिर सी बात है मुझे माइनस करना पड़ेगा, तभी तो 10s का मल्टीपल मिलेगा, 50 मिलेगा, 10 × 5। अब ये देखो 5 क्या है हमारा, ऑस्कुलेटर है, ऑस्कुलेटर है। अब बताओ ये नेगेटिव ऑस्कुलेटर है क्या वन मोर ऑस्कुलेटर है, ये कौन बताएगा हमारा, ये बताएगा डिफरेंस, हमने 51 में से एक कम किया, कम किया इसका मतलब हमारा ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑस्कुलेटर है, नेगेटिव ऑस्कुलेटर है, ये चीज़ समझ गए, नेगेटिव ऑस्कुलेटर है, ये चीज़ समझ गए। अब ऑस्कुलेटर के बारे में पता चल गया, अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी के बारे में, ऑस्कुलेटर निकालना सीख गए हो, डिविजिबिलिटी बाई 7, 7 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, अब देखना जितने भी स्पेशल नंबर हैं आपको लास्ट डिजिट पकड़ना है, यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, इकाई का अंक पकड़ना है, कुछ नहीं करना है। जैसे आप सबसे पहले आप मन में सोचना है, 7 दिया गया,
सात की डिविजिबिलिटी रूल मुझे चेक करनी है। आपको सबसे पहले ऑस्कुलेटर खोजना है। ऑस्कुलेटर खोजने के लिए आपको टेंस के मल्टीपल के पास जाना पड़ेगा जिसका डिफरेंस या तो एक दे, एक कम हो या एक ज़्यादा हो। आप मुझे बताओ सात का पारा मैं कितनी बार पढ़ूंगा जो मुझे टेंस का मल्टीपल देगा। सात का पारा मतलब सात तिया 21 होता है ना, सात तिया 21 होता है, मतलब 21 मिल जाएगा, 21 मिल जाएगा। बस हमको यही पकड़ना है 21 नंबर, 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताओ, अब मुझे टेंस के मल्टीपल में लाने के लिए 21 में मुझे एक कम करना पड़ेगा, 21 में मुझे एक कम करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 20। 20 को मैं क्या ले सकता हूँ 10 के मल्टीपल में, 10 × 2। अब यहाँ देखो 2 हमारा आ गया, 2 आ गया, 2 हमारा क्या है ऑस्कुलेटर है, ऑस्कुलेटर है। और एक क्या है नेगेटिव ऑस्कुलेटर है। अब ये नेगेटिव तो है लेकिन नेगेटिव का काम बहुत परफेक्ट है। जैसे ये चीज़ समझ गए, नेगेटिव ऑस्कुलेटर है, ये चीज़ समझ गए। अब आपको नंबर जैसे चेक करना है, चेक नंबर करना है। जैसे मैंने स्क्रीन पर लिखा है कि 1071 ये डिविजिबल 7 से है कि नहीं है, ये आपको चेक करना है। आप मुझे बताओ 1071 है, मैंने बताया था जैसे 7 से चेक करना है, तो मैं 7 से जैसे चेक करना है आपको, तो मैंने आपसे क्या बताया था 7 का ऑस्कुलेटर अभी कितना आया था पिछले, देखना 7 का ऑस्कुलेटर मैंने कितना निकाला था 7 से 21, मतलब ऑस्कुलेटर हमारा कितना आया था 2 आया था। बस 2 काम का है, 2 आया था वो काय का आया था निगेटिव आया था ना, 2 आया था वो निगेटिव आया था। मतलब यहाँ पर जो है 7 का जो ऑस्कुलेटर आया था हमारा कितना आया था 2 आया था, वो भी काय का आया था निगेटिव का आया था, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखना, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको लास्ट डिजिट पकड़ना है। लास्ट डिजिट यहाँ कितनी है 1 है, 1 है। अब लास्ट डिजिट में जो भी ऑस्कुलेटर आया था ना उसका गुणा करना है। जैसे लास्ट डिजिट पकड़ना है, यहाँ देखो 1071 है, हमको कितना बचा 107 बचा, 107 बचा। लास्ट डिजिट में हमें ऑस्कुलेटर से गुणा करना, ऑस्कुलेटर हमारा आया कितना 2 है, तो 2 × 1 कितना आया 2 आया। अब मुझे बताओ 2 तो आया लास्ट के डिजिट में, अब शेष जो डिजिट बची है ना इसको घटाना है कि जोड़ना है। जो 2 आया है मल्टीपल करेंगे ना 1 × 1 ऑस्कुलेटर से, इसको घटाना है कि जोड़ना है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा हमारा नेगेटिव ऑस्कुलेटर आया था, तो नेगेटिव ऑस्कुलेटर आया था तो मुझे इसको घटाना है, इसको घटाना है तो यहाँ प्लस वाले का काम नहीं है। 107 में क्या घटाना है जो भी ऑस्कुलेटर आया था लास्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 2 कितना होता है 2 आता है, 2 आया इसको 2 घटाना है, 107 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा 105। अब देखो 105 क्या 7 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, देखो काट दो 7 × 7 = 3, 7 × 5 = 15, 7 × 105 होता है, बिल्कुल होता है। इसका मतलब ये हो गया कि 1071 भी हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको यहाँ चेक नहीं करना है तो आपको थोड़ा और आगे बढ़ सकते हो, 105 है, अब आपको फिर लास्ट डिजिट पकड़ना है, लास्ट डिजिट पकड़ना है और ऑस्कुलेटर के साथ गुणा करना है, 5 × 2 कितना होता है 10, 10 पकड़ना है। अब यहाँ शेष डिजिट बचे कितने, शेष डिजिट 10 बचा, ये जो शेष अंक जो बचे हैं 10 उसको सेम लिखना है। अब यहाँ माइनस करना है कि प्लस करना है, ये कौन बताएगा हमारा 7 का ऑस्कुलेटर निगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये बताएगा 7 का ऑस्कुलेटर निगेटिव है ना, तो हमको यहाँ माइनस करना है, माइनस कितना करना है जो भी मैंने लास्ट डिजिट से गुणा किया था, लास्ट डिजिट क्या था 5 × 2 ऑस्कुलेटर के साथ कितना आया 5 × 10, 10 में से 10 गया 0। अब मुझे बताओ 7 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, जब 7 से पूरा पूरा कट जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर भी हमारा 7 से डिविजिबल होगा। चलिए एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। आपको सिर्फ लास्ट डिजिट पकड़ना है, जितने भी स्पेशल नंबर है ना आपको सिर्फ लास्ट का अंक पकड़ना है और ऑस्कुलेटर मैंने निकालना सिखाई दिया आपको, बस उसी के साथ खेलना है। जैसे मैं कहूँ यहाँ देखो चेक करना है कि वो नंबर, ये नंबर दे रखा है 939715 लिख दे रहा हूँ 939715, ये नंबर है, ये नंबर आपको देखना है कि ये नंबर 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो मैंने आपसे क्या कहा, पहले 7 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो मुझे क्या देना चाहिए 10 के मल्टीपल के नंबर, एक ज़्यादा दे या तो एक कम दे। तो मैंने क्या लिखा 7 या 21 होता है, बस 21 बन गया। अब 21 से हमारे क्या, 21 से मुझे क्या करना पड़ेगा टेंस के मल्टीपल लाने के लिए, 10 × 2 = 20 होता है, इसका मतलब 20 लाने के लिए मुझे एक कम करना पड़ेगा। ये एक हमको क्या बताएगा, ये हमको बताएगा कि नेगेटिव है, नेगेटिव है। और 20 हमको क्या बताएगा, 10 का मल्टीपल क्या होता है 10 × 2 लिख सकते हैं, ये 2 जो आएगा 2 हमको क्या बता रहा, हमको ऑस्कुलेटर बता रहा, ऑस्कुलेटर बता रहा। बस इस चीज़ को हमें लास्ट डिजिट के साथ खेलना है, जैसे 939715 है तो 93971, अब 5 को पकड़ लीजिए, लास्ट अंक पकड़ना है, 5 को पकड़ना है और ऑस्कुलेटर के साथ गुणा करना है, 5 ऑस्कुलेटर हमारा कितना है 2 है, तो 5 × 2 कितना हुआ 10 हुआ।
अब इसको घटाना है कि जोड़ना है, ये किस कौन डिपेंड करता है, ये नेगेटिव ऑस्किलेटर डिपेंड करेगा, क्योंकि 7 + 21 होता है, माइनस 1 करेंगे तभी तो 20 आएगा। इसका मतलब ये हुआ इसको घटाना है, घटाना है तो इसको 10 घटा दीजिए इसमें से। आप देखो कितना बचेगा, 9 3 9, 10 जब घटाएंगे तो इसमें से कितना बचेगा हमारा, 6 1 बचेगा। 71 में से जब जाएगा तो कितना बचेगा, 6 1। अब फिर वही चीज़ काम करना है, अभी तो पता चल नहीं पाएगा, जब तक पता ना चले ना हमको सेम वही फंक्शन फॉलो करना है। अब क्या करना है, लास्ट डिजिट कितना, 1 1 को मुझे 2 से गुणा करना है, कितना आएगा 2। अब मुझे घटाना है रेस्ट नंबर में, 9 3 9 6 है, अब देखो 2 घटाना है ना इसमें, 2 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 9 3 9 4। अभी आप पता कर सकते हो, नहीं पता कर सकते हो नंबर 7 से डिवाइड है कि नहीं, फिर वही आपको लास्ट डिजिट करना है, ऑस्किलेटर के साथ गुणा करना, 4 2 8 रेस्ट नंबर में घटाना है, बस घटा दो, 9 3 1 कितना बचा, 931 बचा, ठीक है। अब फिर वही करना है, लास्ट डिजिट पकड़ना है, ऑस्किलेटर के साथ गुणा करना है, ऑस्किलेटर हमारा कितना है 2। अभी इसको घटाना है कि जोड़ना है, ये हमको कौन बताएगा, नेगेटिव ऑस्किलेटर बताएगा, तो 93 माइनस 1 × 2 कितना होता है, 2 ही होता है, 93 में से कितना 2 कम कर दो, कितना बचेगा, 91। देखो 91 कट जाएगा 7 से, बिल्कुल कट जाएगा, 1371 होता है। मतलब जहाँ तक आपको समझ में आ जाए ना, आपको अगर यही दिख रहा होगा कि ये अगर आपको दिखने लगे कि 9 3 9 6 हमारा 7 से डिवाइड है, तो बस आप यहीं स्टॉप हो जाइए। मतलब जहाँ तक आपको दिख जाए कि वो नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप बस वहीं तक स्टॉप हो जाइए। अगर नहीं दिख रहा है तब आप आगे बढ़ते चले जाइए। जैसे मुझे 91 दिख गया कि वो नंबर 7 से डिवाइड होता है, 13 7 91, अगर मुझे नहीं दिखता तो भी मैं आगे बढ़ता। 91 1 × 2 ऑक्सुलेटर साथ गुणा करते, अब देखो 9 में से क्या घटाएंगे, 1 × 2 मतलब 9 में से 2 गया कितना, 7। अब देखो 7 तो 7 से डिवाइड हो जाता है, ये तो मुझे दिखेगा समझे। अगर मुझे 91 ना दिखता तो मैं और आगे प्रोसेस लाता, समझे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लास्ट तक प्रोसेस लाओ, आपको जहाँ तक दिख जाए कि वो मेरा नंबर 7 से कटेगा, बस आप वहीं रुक जाइए और आपका फंक्शन काम करना स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर्स हमारा जो 9 3 9 7 1 5 है ना, ये नंबर हमारा 7 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों 7 की डिविजिबिलिटी आपको समझ गए होंगे, समझे। अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं 13 की डिविजिबिलिटी पर। मैंने फिर वही सेम नंबर, आपको लास्ट डिजिट पकड़ना है, 13 की डिविजिबिलिटी क्या है, 13, समझे। 13 को आप इस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए कि वो नंबर्स, समझे, वो नंबर्स 10 का मल्टीपल से डिफरेंस एक कम दे एक ज़्यादा दे। आप मुझे बताओ 13 का मैं कितने बार गुणा करूँगा, 13 2 26, 13 3 39, मतलब 13 3 कितना होता है, 39 होता है। अब मुझे बताओ 39 मैंने ला दिया, अब मुझे बताओ 10 के मल्टीपल को पाने के लिए 10 का मल्टीपल क्या होगा, 40 होगा। 39 में मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, प्लस 1 जोड़ना पड़ेगा, प्लस 1 जोड़ना पड़ेगा। और 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 × 4। अब मुझे बताओ 10 × 4 लिख सकते हैं, 10 का मल्टीपल कितना है, 4। अब यहाँ देखो 4 हमारा है क्या, 4 हमारा क्या हो जाता है, ऑस्कुलेटर हो जाता है, ऑस्कुलेटर हो जाता है 4। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये हमको क्या जोड़ना बताएगा। 39 में भैया मैंने एक जोड़ा है तो इसका मतलब 1 more ऑस्कुलेटर मतलब पॉजिटिव ऑस्कुलेटर है। आप पता है इसका काम क्या है, जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ चेक करता हूँ, जैसे आपके सामने ये नंबर दे रखा है, चेक वीदर 2 3 6 6 इज डिविजिबल बाई 13। अब मुझे बताओ 2 3 6 6 दे रखा है आपके सामने, मैंने क्या बताया था, 13 का ऑस्कुलेटर क्या, 13 का ऑस्कुलेटर कितना आएगा हमको, पिछले में हमने क्या बताया, 13 का ऑस्कुलेटर कितना है हमारा, 4 4 हमारा ऑस्कुलेटर है, वो भी काय का है, प्लस वन का है, प्लस वन मतलब पॉजिटिव ऑस्कुलेटर है। तो 13 का ऑस्कुलेटर हमारा कितना आएगा, पहले ऑस्कुलेटर जान लिया, ऑस्कुलेटर हमको निकालना आ गया, ऑस्कुलेटर कितना है, 4, वो भी काय का है, प्लस का ऑस्कुलेटर है, मतलब 1 more ऑस्कुलेटर है। तो अब आपको क्या करना है, आपको लास्ट अंक पकड़ना है, लास्ट अंक कितना है, 6 6 को जैसे यहाँ बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ, 2 3 6 6, लास्ट अंक पकड़ना है जैसे 6 है। अब 6 को हम ऑस्कुलेटर के साथ गुणा करेंगे, और जैसा हमने पिछली बार किया था, ऑस्कुलेटर कितना है, 4 है, 4 से गुणा करें, 6 6 = 24। अब जो रेस्ट नंबर कितना बचा, 236, मतलब जो नंबर बचा है 236 बचा है, जो मैंने गुणा करके लाया है, इस नंबर को मैं घटाऊंगा कि जोड़ूंगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा हमारा ऑस्कुलेटर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। मैंने देखा कि हमारा ऑस्कुलेटर किस क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब मुझे नंबर जोड़ना पड़ेगा,
क्या जोड़ना पड़ेगा, जो भी मैंने ऑस्कुलेटर के साथ गुणा किया लास्ट अंक के साथ, छचों को 24, मतलब 24 जोड़ना पड़ेगा। अब मुझे बताओ 236 प्लस 24 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 260। अब मुझे बताओ 260 क्या 13 से डिवाइड होगा, 13 दूनी 26, 20 दान चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, देखो 13 से पूरा पूरा कट रहा है 260, इसका मतलब ये हुआ, ये नंबर दे रखा है ना 2366, ये नंबर भी 13 से डिवाइड होगा मेरे दोस्त, समझ गए। ये चीज़ है, ऑस्कुलेटर आप ज्ञात कर लोगे ना तो आप दुनिया में किसी का भी नंबर से आप डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हो यार। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है, 377910 है। मैंने क्या बोला, 13 का ऑस्कुलेटर मैंने क्या बनाया था, 13 किया 39 प्लस 1 क्या होगा 40, मतलब प्लस 1 कर रहे हैं, प्लस 1 करेंगे तो इसका मतलब 1 मोर ऑस्कुलेटर देगा। 40 का मतलब समझे 10 का मल्टीपल कितना है, 10 × 4, ऑस्कुलेटर हमारा कितना आएगा 4 आएगा, ये समझ गए। 13 का ऑस्कुलेटर कितना आएगा, ये चीज़ हम निकाल चुके हैं, 13 का ऑस्कुलेटर क्या आएगा, ये सब ओरली हो जाएगा, 13 का ऑस्कुलेटर 4 आएगा, वो भी काय का आएगा, प्लस का आएगा, बस हमारा काम बन जाएगा। आपको लास्ट अंक पकड़ना है 377910, आपको लास्ट अंक पकड़ना है और ऑस्कुलेटर साथ गुणा करना है, ऑस्कुलेटर है कितना 4, तो 0 में गुणा 4 करेंगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा। अब 0 में अब रेस्ट नंबर में 0 जोड़ना ही तो है, क्योंकि पॉजिटिव ऑस्कुलेटर दे रखा है, प्लस का ऑस्कुलेटर दे रखा है, इसका मतलब 0 जोड़ेंगे इस नंबर में तो हमें सेम ही नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे काम करते हैं, अब देखो लास्ट अंक हमारा कितना बन गया 1, अब 1 में हम गुणा 4 करेंगे तो कितना मिलेगा 4, अब 4 को जोड़ना है रेस्ट नंबर में, रेस्ट नंबर है कितना 3779 है, इसमें 4 जोड़ना है, क्यों जोड़ना है, क्योंकि हमें पॉजिटिव ऑस्कुलेटर मिला है, तो 9 4 13 7 1 8 कितना आया 3783 आया। अब फिर वही करना है, 3 को पकड़ना है ऑस्कुलेटर के साथ गुणा करना है, 3 × 4 = 12, शेष नंबर में जोड़ना है 378 बचा, 378 में मुझे कितना जोड़ना है 12 जोड़ना है। अब देखो 8 2 10 7 1 8 और 1 9 39, मतलब 390 आया, 390 आया, तो आपको दिख नहीं रहा 390 13 से कटेगा, 13 3 39 30 टाइम जाएगा, मतलब ये नंबर्स जो है ना 3 से कट गया 13 3 39, इसका मतलब ये हुआ कि इतना बड़ा नंबर दे रखा है ना 377910, ये हमारा नंबर 13 से पूरा पूरा कटेगा, समझे, ये प्रोसेस अब आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या कह रहा है कि डिविजिबिलिटी बाय 17, फिर से मुझे वही करना है, 17 लिखा है, 17 लिखा है, आप मुझे बताओ 17 को मैं ऐसे बार में पढ़ूंगा ना कि मुझे टेंस के मल्टीपल नियरेस्ट मिले जिसका डिफरेंस एक कम हो या एक ज़्यादा हो। अब मुझे बताओ 17 का पारा कितनी बार पढ़ोगे, 17 3 51 होता है, बिल्कुल मिल गया भाई साहब, 17 3 51, 17 3 51 होगा ना, और आगे पढ़ोगे ना, अगर आगे मिल जाएगा तो वो हमारा ऑस्कुलेटर हो जाएगा। जैसे 17 3 51 हो गया, 51 लिख दो, अब मुझे बताओ 50 51 है, अब मुझे बताओ टेंस का डिविजिबिलिटी कितना होता है, 50 होता है ना, 10 × यहाँ देखो 50 लाने के लिए मुझे 51 में से एक कम करना पड़ेगा, 51 में से मुझे एक कम करना पड़ेगा, 17 3 51 होता है, इसकी कहानी यहीं तक समाप्त हो गई। अब मुझे आगे का प्रोसेस करना है, 51 आ गया हमारा, 51 आ गया, अब मुझे 10 का मल्टीपल खोना है, 51 के करीब कितना होता है 10 × 5, मतलब 50 होता है 10 का मल्टीपल, 50 को हम क्या लिखेंगे 10 के मल्टीपल में लिखेंगे, 10 × 5 50 होता, ये 5 हमारा क्या आ गया, 5 हमारा क्या होता है ऑस्कुलेटर होता है, ऑस्कुलेटर। अब ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव ऑस्कुलेटर, ये हमारा कौन डिपेंड करेगा, ये माइनस 51 में से भैया हम कुछ कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया नेगेटिव ऑस्कुलेटर हो गया, ये हमारा क्या हो गया नेगेटिव ऑस्कुलेटर हो गया, समझे, ये हमारा नेगेटिव ऑस्कुलेटर हो गया, बस हम इसी का फ़ायदा उठाएंगे। देखना ऑस्कुलेटर हमारा यहाँ है कितना 5 है। अब सवाल पे आते हैं, सवाल पे आते हैं, सवाल क्या कहता है, जैसे 17 है 323 इज डिविजिबल बाई 17, 17 मतलब 17 है, 17 का ऑस्कुलेटर मैंने पढ़ा था, 17 का ऑस्कुलेटर कितना आता है 17 3 51 होता है, 17 3 51 मतलब 51 में से एक कम करेगा नेगेटिव का, और 10 50 को हम क्या लिखते हैं 10 × 5, मतलब 5 ऑस्कुलेटर आ जाएगा, 5 ऑस्कुलेटर आ जाएगा, वो भी नेगेटिव का आएगा। इसका नेगेटिव और पॉजिटिव का बहुत बड़ा इफेक्ट है, क्यों, हम लास्ट नंबर में जब ऑस्कुलेटर का गुणा करते हैं जो रेस्ट नंबर बचते हैं उसमें हमें मुझे घटाना है कि जोड़ना है, ये मुझे कौन डिसाइड करेगा, वो ऑस्कुलेटर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है वो डिपेंड करे डिसाइड करेगा। आप देखना नंबर 323 नंबर दे रखा है, 323 नंबर दे रखा है, यहाँ देखो लास्ट अंक पकड़ो, लास्ट अंक कितना है 3, 3 को मुझे ऑस्कुलेटर के साथ गुणा करना है, ऑस्कुलेटर हमारा 17 का कितना है 5, 3 बचे 15 आया, 15 आया, ये
जो रेस्ट नंबर है 32, 32 में मुझे 15 घटाना है कि जोड़ना है, ये कौन डिसाइड करेगा? ऑस्कुलेटर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव है, नेगेटिव है तो मुझे 15 घटाना है। आप मुझे बताओ 32 में से जब 15 जाएगा कितना बचेगा? 17। अब 17 देखो 17 से डिवाइड हो जाता है, पूरा हो जाता है 17। अगर 17 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर हमारा 323 17 से पूरा पूरा कटेगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब आपको इंडिविजुअलिटी रूल बहुत ही अच्छे से आने लगा होगा, अब आप बना सकते हो। आप मुझे बताओ बना के, जैसे मैं 17 का और देखता हूँ, 17 का ऑस्कुलेटर एक क्वेश्चन और है, 17 का ऑस्कुलेटर कितना था? 5 था, 5 वो भी काय का? नेगेटिव ऑस्कुलेटर था। अब आपको कैसे करना है, 12716 इस नंबर को चेक करना है कि वो नंबर 17 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अब मुझे बताओ लास्ट डिजिट कितना है? 6। 6 को पकड़ना है, सिर्फ लास्ट डिजिट ही पकड़ना है और ऑस्कुलेटर के साथ गुणा करना है। 6 गुणे 5 कितना होता है? 30। अब रेस्ट नंबर कितना है? 1271 है, इसमें 30 मुझे घटाना है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव ऑस्कुलेटर है, तो 30 घटा दो बस, कितना आ जाएगा? 1241। अब फिर लास्ट नंबर पकड़ो, एक एक को मुझे 5 से गुणा करना है, कितना आ जाएगा? 5 ही आएगा। अब 124 में मुझे 5 घटाना है, 5 घटाना है, कितना आ जाएगा? 24 में से 14 में से 5 गया 9, 119 आया। अब देखो 17 सत्य कितना होता है? 119 17 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 17 सत्य कितना होता है? 119। अगर मुझे 119 अब नहीं समझ में आता कि कटेगा कि नहीं कटेगा, तब मुझे आगे बढ़ना पड़ता। मतलब जहाँ तक मुझे समझ में आ जाए कि भाई साहब आप पूरे पूरे कट रहे हो, बस वहीं स्टॉप, इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मुझे 119 दिख गया कि 17 सत्य 119 होता है, तो मैं बस भाई साहब वहीं रुक जाऊँगा यार, मुझे आगे बढ़ने का प्रोसेस, आगे बढ़ाने का मतलब ही नहीं है। क्योंकि आगे बढ़ाऊंगा ना तब भी वही आएगा। देखो 119 दे रखा, 119 दे रखा, लास्ट नंबर कितना है? 9। 9 गुणे 5 करोगे 45, 45 घटाओगे इस नंबर में तो 45 घटेगा, तो 11 में से 5 जाएगा नहीं, तो 5 में से 1 गया 4, 4 में से 1 गया 3, 34, 34 का आएगा, वो भी निगेटिव का, निगेटिव का 34 है। अब मुझे बताओ 17 से पूरा पूरा कट जाएगा? 17 दूनी 34 होता है, 17 से काट दो, 17 दूनी 34, वो भी निगेटिव का आया। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है यार, नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, नंबर हमारा पूरा पूरा कटना चाहिए। अगर नंबर हमारा पूरा पूरा कट रहा है तो वो जो नंबर दे रखा है ना 12716, ये नंबर जो है ना भाई साहब 17 से पूरा पूरा कटेगा, काट के देख लो। अब बात करता हूँ, अब आप दुनिया के किसी भी नंबर हो ना, उसका ऑस्कुलेटर आप ज्ञात कर सकते हो। जैसे मैं कहूँ 19 का ऑस्कुलेटर ज्ञात करना है, आप मुझे बताओ 19 का ऑस्कुलेटर ज्ञात करना है, 19 का पाड़ा मुझे इस तरीके से पढ़ना है ना कि मुझे मल्टीपल जो है 10 का मल्टीपल उसके नरेश नंबर मिले, या तो मुझे एक कम मिले या तो एक मुझे एक ज़्यादा मिले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डिफरेंस जो है वो एक ही मिलना चाहिए, समझे? अब मुझे बताओ 19 का पाड़ा पढ़ो। अरे भाई 19 एकम 19 होता है ना, 19 एकम 19 ही होता है यार, एक ही बार पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं, 19 एकम 19 होता है। अब मुझे बताओ, अब 10 का मल्टीपल लाने के लिए मुझे 19 में एक जोड़ना पड़ेगा, तब कितना आएगा? 20 आएगा, 20 आएगा ना, 20 आएगा, 20 हमारा क्या है? 10 का मल्टीपल कितना है? 10 गुणे 2। अब यहाँ 2 हमारा कितना क्या हो जाएगा? 2 हमारे, हम क्या कहते हैं 2 को, हम क्या बोलते हैं? ऑस्कुलेटर बोलते हैं 2 को, हम ऑस्कुलेटर बोलते हैं भाई। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? अब मुझे बताओ 19 का जब मैंने गुणा किया, 19 गुणे 1 किया, बस इसका काम यहीं तक समाप्त हो गया। 19 गुणे 1 किया ना तो 19 आया, 19 में जब मैं 1 जोड़ूंगा तब मुझे 10 का मल्टीपल मिलेगा। जब मैं 1 जोड़ूंगा इसका मतलब क्या हुआ? ये मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब आप क्या हो, वन मोर ऑस्कुलेटर हो, मतलब पॉजिटिव ऑस्कुलेटर हो। इसका पता क्या काम है? इसका पता इसकी ये काम है, आप चेक करोगे, आपको नंबर दे रखा है 21793, 21793 डिविजिबल बाई 19। मैंने क्या बोला था, 19 का ऑस्कुलेटर कितना आया? 19 का ऑस्कुलेटर 2 आया, 2 आया, वो भी काय का? प्लस का आया, मतलब वन मोर ऑस्कुलेटर आया, ये अभी मैंने पिछले बताया था। अब आपको लास्ट के अंक साथ करना है, लास्ट डिजिट पकड़ना है 3, 3 में ऑस्कुलेटर का गुणा करना है, 3 दूनी 6। अब 6 को घटाना है कि जोड़ना है, ये कौन डिपेंड करता है? पॉजिटिव ऑस्कुलेटर है कि निगेटिव ऑस्कुलेटर है? पॉजिटिव है ना तो जोड़ना है, तो 2179 में जब जोड़ दोगे कितना? 6 जोड़ना है, कितना आ जाएगा? 2185 आया। फिर वही काम करना है, 5 को पढ़ना है, ऑस्कुलेटर के साथ गुणा करना है, 2 है, 5 दूनी 10। अब रेस्ट नंबर जोड़ना है, 218 में जब 10 जोड़ोगे कितना आएगा? 228 आया। फिर वही काम करना है, 8 है, 8 को पकड़ना है, 2 से गुणा करना है, 8 दूनी 16। अब रेस्ट नंबर में जोड़ना है, 22 में जब 16 जोड़ोगे कितना आएगा? 38। 22 में 16 जोड़ोगे कितना आएगा? 38 आएगा। 38 देखो 19 से पूरा पूरा कट जाता है, 19 दूनी
जी हाँ कट जाता, 19 दूनी 38 होता, पूरा पूरा कट जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर दे रखा है ना 21793, ये हमारा 19 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, क्योंकि मैंने प्रोसेस किया ना 38, देखो 19 से पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी गिवन नंबर है ना वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो दोस्तों ऑस्कुलेटर का बहुत ही फ़ायदा है, ये आप खुद क्रिएट कर सकते हो, ये मैं नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, ये अब आप क्रिएट कर रहे हो, समझे। चलिए एक ये तो चीज़ समझ गए, ठीक है, 19 हो गया। अब कोई भी दुनिया का नंबर हो, जैसे आपको मान लो 29 है, 29 का टेबल पढ़ना है, 39 का पढ़ना है, तो 39 29 का इस प्रकार से पढ़िए टेबल कि आपको डिफरेंस एक दे, साथ ही और एक तो दे लेकिन 10 के मल्टीपल के पास दे, 10 के मल्टीपल पास दे, आप ऑस्कुलेटर पता कर लोगे, समझे। पॉजिटिव है नेगेटिव है, आप लास्ट अंक के साथ ऑस्कुलेटर का गुणा करना, अगर पॉजिटिव है तो जोड़ना रेस्ट नंबर में, अगर नेगेटिव है तो रेस्ट जो बचे नंबर हैं उनमें घटाना, समझे। ये तो चीज़ हो गई, जैसे 31 है, 31 मान लो, जैसे मैं कहूँ यहाँ पर, जैसे मैं कहूँ 31 है, 31 डिविजन कोई भी नंबर है 31 से डिवाइड होना है, समझे। 31 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 31 गुणे 31, क्योंकि 31 खुद ही 30 के पास है, 10 के मल्टीपल पास है। 31 में जब मैं एक कम करूँगा तब मुझे 30 मिलेगा, इसका मतलब 10 गुणे 3 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑस्कुलेटर हो जाएगा। पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, भाई साहब 31 में हम एक कम कर रहे हैं तो ये हमारा 3 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑस्कुलेटर हो जाएगा, समझे। ये चीज़ समझ गए, बहुत ही आसान सवाल है, ये चीज़ समझ गए हो तो आप मुझे बताओ। जैसे मैं कहूँ 93 नंबर दे रखा, इसको मुझे चेक करना है, तो देखो लास्ट अंक पकड़ दो, 3 का ऑस्कुलेटर साथ गुणा करो, 3 3 9 होता है। अब इसको घटाना है, रेस्ट नंबर में जोड़ना है, रेस्ट नंबर में घटाए हुए, क्योंकि माइनस 1 दे रखा है, 9 में से जब 9 जाएगा 0, अब मुझे बताओ 0 31 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 93 भी 31 से डिवाइड होगा, होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 31 या 93 होता है, ये तो मुझे पता है, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 93 का अगर चेक करेंगे ना डिविजिबिलिटी ऑस्कुलेटर के साथ में तो आप कैसे कर पाओगे, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो दुनिया में कोई भी नंबर हो, 41 हो, 51 हो, 49 हो, समझे, इस तरीके नंबर 47 हो, समझे, इस तरीके नंबर, आप सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल, आप ऑस्कुलेटर के चक्कर में रहो और मल्टीपल ऑफ 10 के चक्कर में, कोई भी नंबर दे रखा ना उसका गुणा इस नंबर इस तरीके के नंबर साथ में करो कि वो मुझे 10 के मल्टीपल के पास दे, साथ ही साथ मुझे एक डिफरेंस देना चाहिए, चाहे वो नेगेटिव डिफरेंस दे या प्लस पॉजिटिव डिफरेंस है, ये कोई डिपेंड नहीं करता है, नेगेटिव पॉजिटिव दे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको ऑस्कुलेटर चेक करना है, ऑस्कुलेटर निकालना है, ऑस्कुलेटर निकालने के बाद में वो प्लस पॉजिटिव ऑस्कुलेटर है कि नेगेटिव ऑस्कुलेटर है ये चेक करना है। साथ ही साथ जब आपको पता चल जाए कि नेगेटिव ऑस्कुलेटर है वो नंबर पॉजिटिव ऑस्कुलेटर है, तो अब आपको क्या करना है कि लास्ट अंक के साथ में ऑस्कुलेटर का गुणा करना है, और शेष नंबर में से अगर नेगेटिव ऑस्कुलेटर है तो घटाना है और पॉजिटिव ऑस्कुलेटर है तो जोड़ना है। इस तरीके का प्रोसेस आप करते रहोगे ना तो आपको दुनिया में कोई भी नंबर हो आप डिविजिबिलिटी रूल चेक कर पाओगे। अब देखना यहाँ बहुत ही खास है, जैसे मैं कहूँ आप 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते होगे, ऑड प्लेसेस का सम माइनस इवन प्लेसेस का सम या तो 0 है या 11 का मल्टीपल है, लेकिन हम यहाँ पर एक नई चीज़ सीखेंगे, 11 का ऑस्कुलेटर क्या होगा, देखना 11 का ऑस्कुलेटर क्या होगा, 11 गुणे 1 खुद ही 11 के 10 के पास है ना, तो 11 में जब हम एक कम करेंगे तो मुझे 10 का मल्टीपल मिलेगा, 10 का मल्टीपल क्या होगा, 10 गुणे 1, यहाँ 1 है क्या हमारा, एक हमारा ऑस्कुलेटर है वो भी काय का नेगेटिव ऑस्कुलेटर है। जैसे नंबर दूँ 121, अब मुझे बताओ 121 नंबर है, अगर इसको चेक करना है कि ये 11 से कटेगा या नहीं कटेगा, अब मुझे बताओ लास्ट अंक पकड़ना है, एक पकड़ा, अब मुझे ऑस्कुलेटर यहाँ मिला कितना, एक ऑस्कुलेटर के साथ गुणा करो, 1 गुणे 1 कितना होता है, 1। अब एक जो रेस्ट नंबर है 12, इसमें घटाना है कि जोड़ना है, कौन डिपेंड करता है, ऑस्कुलेटर डिपेंड करता है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, यहाँ देखो नेगेटिव है ना, इसका मतलब एक घटाना है। अब मुझे बताओ 12 में से जब एक घटेगा तो कितना आएगा, 11 आएगा, 11 देखो 11 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा हो जाएगा भाई साहब, इसका मतलब ये हुआ कि 121 भी 11 से डिवाइड होगा, समझे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपने 11 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही डिफरेंट तरीके से पढ़ा होगा, आज तक आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा, आज तक आपने यही पढ़ा होगा कि ऑड प्लेसेस का डिफरेंस माइनस इवन प्लेसेस का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो वो नंबर हमारा 11 से पूरा पूरा कट जाएगा, समझे। आप भाई साहब ऑस्कुलेटर के थ्रू आप किसी का भी डिविजिबिलिटी रूल निकाल सकते हो, समझे, 3 का भी निकाल सकते हो यार, कोई बड़ी बात नहीं, 3 3 9 होता है, 9 + 1 करना है बस, 10 हो जाएगा, 10 गुणे 1 समथिंग करना है, आप 3 का भी निकाल सकते हो, किसी का भी निकाल सकते हो। तो अगर ये चीज़ आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, समझे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे।
अब आपको एक स्पेशल कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। जैसे मैं क्या कह रहा हूं कि रूल फॉर द डिविजिबिलिटी बाई सात 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 ग्यारह तेरह दे रखा हो, सात ग्यारह तेरह से चेक करना है। अगर आपको नंबर सात ग्यारह तेरह से चेक करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे 139 125। अब आपको क्या करना है, जैसे आपको चेक करना है कि ये नंबर सात से डिवाइड होगा या ग्यारह से डिवाइड होगा या तेरह से डिवाइड होगा। सात ग्यारह तेरह से अगर डिवाइड होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली जो नंबर दिया गया ना उसकी लास्ट थ्री डिजिट पकड़ना है, लास्ट के तीन अंक ये मैंने लिखा है, लास्ट के थ्री डिजिट पकड़ना है। और लास्ट के थ्री डिजिट पकड़ने के बाद में उसको आपको डिफरेंस करना है। जैसे यहाँ लास्ट थ्री डिजिट कितना है, 125 है, हमको चेक करना है कि ये नंबर सात से डिवाइड है कि नहीं है। आप मुझे बताओ 139 है, रेस्ट डिजिट 139, लास्ट के थ्री डिजिट घटाने हैं बस। 9 में से 5 गई 4, 3 में से 1 गई, 3 में से 2 गई 1, 14, 14 देखो सात से कटता है, बिल्कुल कटता है, 7 × 2 = 14 होता है। इसका मतलब ये हुआ 139 और 125 दे रखा ना, ये पूरा पूरा सात से डिवाइड होगा। ये चीज़ समझ गए, आपको कुछ नहीं करना, जो भी नंबर दिया गया ना उसके लास्ट के तीन अंक आपको घटाना है, समझे। चलिए बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल की, सात ग्यारह तेरह की बात करना है, तेरह से चेक करना है, तेरह से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। इतना बड़ा नंबर दे रखा है, यहाँ देखो लास्ट के तीन अंक कितना है, 375 है, 1 2 4 7 8। अब 375 है, 375 को आपको घटाना है बस, 37 लास्ट के तीन अंक घटाने हैं, घटा दो। 8 में से 5 में 3 0 1 12 103 आया, 12 103 आया। अब यहाँ से समझ नहीं आ रहा कि 3 13 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, फिर आपको लास्ट के तीन अंक पकड़ना है 103। अब 12 में से 103 घटाना है, 103 तो घटेगा नहीं, तो 103 में से जब 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 में से 2 गई 1, 10 में से 1 गई 9, 91 बचेगा, वो भी माइनस का। अब मुझे बताओ 91 13 से डिवाइड होता है, 13 7 91, 13 7 91 मतलब 91 डिवाइड हो रहा है, नेगेटिव आ रहा पॉजिटिव आ रहा ये हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें चाहिए सिर्फ डिवाइड होना चाहिए। डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इतना बड़ा नंबर दे रखा है ना, ये भी नंबर हमारा 13 से पूरा पूरा डिवाइड होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाई 11 की। डिविजिबिलिटी बाई 11 क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया 11 का अगर डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है या तो आप ऑस्कुलेटर के थ्रू चेक कर लीजिए, या आप एक चीज़ और कर लेना है, एक चीज़ या तो आप ऐसे कर लो कि ऑड ऑड प्लेसेस, 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूँ, ऑड प्लेसेस का सम, ऑड प्लेसेस का सम माइनस के इवन प्लेसेस का सम, इवन प्लेसेस का सम या तो हमको जीरो होना चाहिए या हमको 11 का मल्टीपल होना चाहिए। देखिए 11 का मल्टीपल क्या होता है, 11 हो 22 हो 33 हो, इस प्रकार से 11 के मल्टीपल होना चाहिए या जीरो होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो नंबर हमारा 11 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, समझे, 11 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। जैसे हम कहें 1331 नंबर दे रखा है, इसको मुझे बताना है कि ये नंबर 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो ऑड प्लेसेस का सम, ऑड देखो क्या है, इधर से चेक करेंगे राइट हैंड साइड से, ऑड प्लेसेस मतलब एक के बाद क्या आएगा, तीन आएगा, एक और तीन इधर आया, एक तीन जोड़ो कितना आया, चार, ये तो ऑड प्लेसेस का सम हो गया। और इवन प्लेसेस का सम देखो, तीन और एक चार, इवन प्लेसेस का सम कितना हो गया, तीन प्लस एक कितना हो गया, चार। अब ऑड प्लेसेस का सम माइनस इवन प्लेसेस का सम, चार में से जब चार जाएगा कितना आएगा, जीरो, जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर हमारा 11 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। आप चेक कर लेना, बेसिकली 1331 होता क्या है, 1331 की बात करें ये कुछ नहीं होता, ये क्या होता है, 11 का क्यूब होता है। तो ये चीज़ समझ गए होगी, इसका मतलब ये 11 से कटेगा कटेगा। चलिए कुछ सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि चेक बीदर 5794 5822 इज डिविजिबल बाई 11। जैसा कि मैंने बताया है, अगर 11 को चेक करना है कि वो कोई नंबर 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो आपको क्या करना है कि ऑड प्लेसेस का सम माइनस इवन प्लेसेस का सम या तो वो जीरो होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 का मल्टीपल मतलब 11 हो, 22 हो, 33 हो, 44 हो, इस तरीके के नंबर होने चाहिए, तो वो संख्या 11 से पूरी पूरी कट जाएगी। अब देखना यहाँ नंबर क्या दे रखा है, 5794 5822। अब हमको ऑड प्लेसेस का सम, ऑड प्लेसेस देखना राइट राइट हैंड साइड से हमेशा देखना, पहले ऑड प्लेसेस 2 आया, 2 के बाद कितना हुआ, 2 और 8 कितना हुआ, 10 10 4 14 14 और 7 कितना हुआ, 21।
ऑड प्लेसेस का सम कितना हुआ 21। अब इवन प्लेसेस की बात कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से हमेशा उठाया करो, 2, 5, 7, 7 और 9, 16, 16, 5, 21। मतलब इवन प्लेसेस का भी सम कितना है 21। अब मैंने क्या बोला था, ऑड प्लेसेस सम माइनस का इवन प्लेसेस सम, 21 में से 21 कितना आ रहा है, 0। 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, देखो यहाँ 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ इतना भयंकर नंबर दे रखा है ना, ये पूरा पूरा 11 से हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के बाद कभी भी आपको 11 से चेक करने के लिए बोला जाए तो अब आप कर लोगे। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट प्रॉपर्टी। दोस्तों कल के सेशन में हम बात करेंगे कि कंपोजिट नंबर हों, दुनिया में मैंने सारे नंबर्स की डिविजुअलिटी आपको सिखा दी है, अब सिर्फ रह गई है कंपोजिट नंबर। कल बताऊंगा कि कंपोजिट नंबर आखिर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर की डिविजुअलिटी हम कैसे चेक करते हैं। दोस्तों अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। दोस्तों लोगों के साथ शेयर जरूर करो ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके। दोस्तों चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच माय फैमिली, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद।